ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। हर आदमी यात्रा करता है, घर में बैठा है तो भी यात्रा करता है, लेट रहा है तो भी यात्रा करता है, हम चलते हैं तो भी कहते हैं यात्रा करते हैं, चलना भी चलते समय भी यात्रा, बैठे बैठे यात्रा और लेटे लेटे यात्रा और नींद में भी यात्रा करता है। आदमी सो रहा था, नींद में सपना देखा कि परी मुझे उड़ाए ले जा रही, तो परी से पूछा कि कहाँ ले जा रही हो, परी बोली सपना तुम देख रहे हो, मैं देख रही हूँ। आदमी यात्रा करता रहता है, स्थिर होना बहुत साधना के द्वारा संभव है। शरीर कभी कभी यात्रा नहीं भी करता तो मन तो 24 घंटा ही यात्रा करता है, नींद में भी यात्रा करता है। हम यात्रा के अर्थ को समझ सके कि शरीर से कितना काम करना और कितना शरीर का संयम करना, मन से कितना काम करना और मन का कितना संयम करना, चलना गति और स्थिति, गति और संयम दोनों का संतुलन कर सके, दोनों को समझ सके तो शायद जीवन अधिक सार्थक हो सकता है। जीवन की सार्थकता के लिए जरूरी है संतुलन, हम कोई संतुलन बना सके। वर्तमान में लगता है कि संतुलन की कमी है, तो हमने देखा कि यात्रा अधिक क्यों हो रही है, क्या कारण है और क्या करना चाहिए। जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान में देख रहे थे, वही गुजरात, महाराष्ट्र, दमन, मध्य प्रदेश आदि में देखा और ये देखा कि आज के मनुष्य के मन में वास्तव में धर्म के प्रति लगाव नहीं। धर्म का बेस है, धार्मिक मानता है, धर्म की आराधना करता है, किंतु जो धर्म के एक अवधान के प्रति मन में आस्था श्रद्धा होनी चाहिए वह नहीं है। आप कारण जानना चाहें तो बहुत साफ है और हमें बहुत जो सुनने को भी मिला, अनेक पत्रकारों ने पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, अनेक लोगों ने पूछा कि इतने धर्म हिंदुस्तान में, इतने धर्मस्थान और इतने धार्मिक, फिर भी बाजार में सच्चाई नहीं है, क्या कारण? एक बड़ा प्रश्न है हमारे सामने, समूचे धार्मिक जगत के सामने प्रश्न है कि भला इतने धार्मिक लोग हों और बाजार सही नहीं हो, बाजार में झूठ चलता हो, बेईमानी चलती हो, अनैतिक व्यवहार होता हो, तो फिर धर्म कहाँ है? धर्मस्थान में जाकर धार्मिक होना आचार्य तुलसी की भाषा में जीवंत धर्म नहीं। उनकी भाषा में जीवंत धर्म वह है जो कर्मस्थान में धर्म का परिचय मिले। कर्मस्थान में धर्म, कोई व्यक्ति अप्रामाणिक व्यवहार नहीं करेगा, अनैतिक व्यवहार नहीं करेगा और कुछ नहीं करेगा तब वह धर्म का है।
एक बार एक महाराष्ट्र के मंत्री, कुछ वर्ष पहले की बात है, आचार्य तुलसी के पास आए और बोले, आचार्य जी धर्म करने का मन तो बहुत होता है पर करूं क्या, समय नहीं मिलता। आचार्य वर ने कहा, मैं आपको ऐसा धर्म बता दूं जिसके लिए समय की जरूरत ही नहीं, अलग से समय निकालने की कोई जरूरत नहीं आपको, कि बहुत अच्छा होगा। तब आचार्य वर ने कहा कि जो भी फाइल आपके पास आए पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ काम करे, बीच में कोई घोटाला न करे, आपको धर्म करने की अलग जरूरत नहीं। बड़ा मुश्किल है वह धर्म करना, एक घंटा बैठकर आराधना करना जप करना तो सरल है, किंतु काम को ईमानदारी से करना बड़ा कठिन है। और अगर यह धर्म होता तो आज बड़े बड़े क्षेत्रों में, पहले तो था गबन होता है, फिर आया घोटाला और अब आ गया महाघोटाला और पता नहीं क्या आ गएगा। अब धर्म को हम कहाँ खोजें, भारी समस्या है कि धर्म को खोजे कहाँ। एक बहन आई अहमदाबाद की गुरुदेव के पास, वो आकर बोली, गुरुदेव मैं धर्म नहीं कर पाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं परिवार में बड़ा प्रेम अच्छा व्यवहार सबके साथ करती हूँ, मैं किसी को धोखा नहीं देती, ठगती नहीं, किसी का हक नहीं छीनती, पर मैं धर्म नहीं कर पाती हूँ। गुरुदेव ने कहा, यही तो तुम्हारा अज्ञान, धर्म करती जा रही हो फिर मानती हो मैं धर्म नहीं कर रही हूँ, यानी इस बात को तुम धर्म नहीं मानते हैं। धर्म इसको मानते हैं कि धर्मस्थान में जाकर पूजा पाठ करें, माला जपें, आरती, वो जो कुछ भी करें उसको तुम धर्म मानते हैं, और जो सच्चाई है, भलाई है, नैतिकता, ईमानदारी, उसको धर्म नहीं मानते। एक ऐसा विपर्य हो गया धार्मिक जगत के सामने, एक बड़ा प्रश्न है, और उस प्रश्न पर पूरे धार्मिक जगत को चिंतन करना चाहिए कि आखिर धर्म कहाँ से शुरू करें, शुरू कहाँ से करें। पहला प्रश्न है कि कहाँ से शुरू करें, तो धर्म का पहला पाठ है नैतिकता, ईमानदारी, सच्चाई, झूठा तोल माप नहीं, किसी को धोखा नहीं, कहीं भी हेर फेर नहीं। और दो नंबर को बचाने के लिए और क्रियाखंड नहीं। आगे तो हमने नहीं सुना था, अतीत में तो एक महामात्य चाणक्य ने एक प्रयोग तो किया है, क्यों, मनुष्य का स्वभाव सदा रहता है, उन्होंने अर्थ और अर्थाभास ये दो प्रकार धन के बतला दिए, कि जो ईमानदारी से अर्जित होता है वह अर्थ, और जो बेईमानी से होता है वह अर्थाभास। अब वे शब्द बदल गए, आज आ गया धोला धन और काला धन, अब धन भी काला हो गया। अब बोला धन ही काला है तो फिर आदमी उजला कैसे होगा, समाज उजला कैसे होगा। हमारे सामने, धार्मिक जगत के सामने इतने ज्वलंत प्रश्न है, उन पर विचार होना जरूरी है। आज नैतिकता की जरूरत और अध्यात्म की बहुत जरूरत है, क्योंकि वर्तमान युग में एक तो भय का बहुत वातावरण है, और उसका परिणाम यह हो रहा है कि हृदय रोग जितना हजार वर्ष में नहीं हुआ, एक शताब्दी में होता जा रहा है। और अभी डॉक्टर मनचंदा ने बताया, जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के पहले जो प्रमुख थे कार्डियोलॉजी के विभाग के, उन्होंने बताया कि अगले 10 वर्षों में कितने करोड़ लोग हिंदुस्तान में और हार्ट के मरीज हो जाएंगे। कारण क्या है, कि भय बहुत बढ़ रहा है, और भय कोई बाहर का नहीं, बाहर का भी आतंक है और है, किंतु भीतर का भय बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि धन की तीन अवस्थाएं होती है, अर्जन, रक्षण और विनाश। आदमी धन का अर्जित करता है, फिर उसकी सुरक्षा करता है, तो एक दिन नाश भी होता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े घरानों में किस प्रकार विनाश की बात भी आ जाती है, किस प्रकार टूट जाती है धन के कारण। तो सबसे मध्य की बात है सुरक्षा कैसे हो, इस चिंता में भय, अंतरंग भय व्याप्त रहता है। बड़े से बड़े आदमी के मन में यह भय छाया रहता है कि इसको बचा कैसे सकूं, जबकि सच्चाई तो यह है कि स्वयं को भी नहीं बचा पाएगा, स्वयं को भी नहीं बचा सकता,
पर धन को बचाने के लिए इतना एक जाल गूंथता है और वह भय बना रहता है और वह भय हृदय को बहुत कमजोर बना रहा है। आज बहुत सारी बीमारियां उसके कारण हो रही है, अपने असंयम के कारण। शायद आप लोग पढ़ते हैं, जानते ही होंगे कि पुरानी भाषा में था शरीर का रोग और मन का रोग, अलग अलग थे। आज एक नई मेडिकल साइंस में नई बात आ गई, साइकोसोमेटिक डिजीज। कोई कायिक बीमारियां नहीं, साइकोसोमेटिक है, मनोकायिक बीमारियां। ये भय के कारण, लोभ और भय के कारण ज्यादा हो रही है। आदमी अभय कैसे रह सके? भगवान महावीर की स्तुति में लिखा गया सूत्र कृतांक सूत्र में कि दानान श्रेष्ठम अभय पयाणम, सब दानों में श्रेष्ठ है अभय दान। अभय स्वयं ही नहीं है तो दूसरों को क्या अभय देगा? स्वयं में भी अभय नहीं है, स्वयं में भय भीतर डरा हुआ है, वह दूसरों को क्या अभय देगा? ये सारा हो रहा है असंयम के कारण। असंयम यानी इच्छा इतनी बढ़ गई, असंयम इतना बढ़ गया, न खाने का संयम, न वाणी का संयम और न मन का संयम, तीनों असंयम बहुत बढ़ गए। आज कोई दीक्षा लेता है, इसका एक ही अर्थ है संयम की साधना करें। संयम की साधना, शरीर का भी बहुत असंयम, आदमी बहुत असंयत प्रवृत्तियां करते हैं, इंद्रियों का असंयम। पुराने आदमी स्वस्थ रहते थे, सब लोग जानते हैं कारण क्या, कि खाने का बड़ा संयम था। आज तो बाजार में चला जाए तो मन न हो तो भी लार टपक पड़ती है, नहीं खाना हो तो खा लेता है, वो इतना ज्यादा खा लेता है कि जितना नहीं खाना चाहिए। बहुत सारी चीजें, अनावश्यक चीजें चल रही है, संयम नहीं है। वाणी का भी संयम नहीं, आज बहुत सारी लड़ाइयाँ वाणी के कारण होती है। और मैंने तो राजनीतिक लोगों से बहुत कहा, बड़े बड़े लोगों से, कि आप और कुछ न कर सके तो कम से कम वाणी का संयम तो कर लिया करे, जिससे आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं, बोलकर बिगाड़ देते हैं, बोलकर असंयम पैदा कर देते हैं। तो ये वाणी का संयम और मन का संयम, मन की भी चंचलता, बड़ी चंचलता। और आज मुझे लगता है कि वर्तमान युग में मनुष्य का मन जितना चंचल है, शायद पुराने जमाने में नहीं था, क्योंकि सीधा साधा जीवन, बहुत प्रवृत्तियां नहीं तो शांत रहता था। आज तो चंचलता बहुत बढ़ गई, और इतनी चंचलता कहीं भी आदमी टिकता नहीं है। अब आप तो शहर के लोग हैं, मैं गांव के लोगों से पूछता हूँ, आपसे पूछूँ तो कैसा लगेगा, अटपटा लगेगा आपको, कि जब भी आप लोग ध्यान करते हैं, जप करते हैं, क्रियाकांड करते हैं, सामायिक करते हैं और कुछ भी करते हैं, जो जिसकी जैसी इच्छा, अपनी इच्छा के अनुरूप कोई न कोई हर आदमी करता है, उस समय मन आपका उसी में रहता है या मन कहीं भटकता रहता है? गांव के लोग तो कहते हैं मन भटकता रहता है, पता नहीं शहर के आप ब्यावर के लोगों का मन टिकता हो, मुझे पता नहीं है, पर गाँव के लोगों का तो यही है कि मन बहुत भटकता रहता है। तब मैं कहता हूँ कि जब धर्म का पहला पाठ है कि कोई भी क्रिया करो, चाहे नमाज पढ़ो, चाहे चर्च में जाकर प्रार्थना करो, चाहे मंदिर में जाकर प्रार्थना करो, धर्मस्थान में जाकर भक्ति करो, सामायिक करो और कुछ भी करो, जब जिसकी इच्छा, पर कम से कम मन एकाग्र हो जाए, यह सबके लिए कॉमन बात है। ये इसमें कोई अंतर नहीं, कहीं भी जाओ, कि सबसे पहला पाठ है मन की एकाग्रता। जो कर रहे हैं उसमें आपका मन लग रहा है तब तो ठीक है, जो करते हैं उसमें मन नहीं लगता तो फिर वह चंचलता कहीं ले जाती है, कहीं पता नहीं लगता। बैठा तो है सामायिक करने, और मुनि ने पूछा कि तुम्हारा ससुर कहाँ है? कहता मेरा ससुर, वह बहु कोई बहुत ज्ञानी थी, लेकिन चमार की दुकान पर। जब उसको पता लगा, सुना, तो गुस्से में आ गया। आखिर गुस्से में आकर बोला कि कितना झूठ कह रही है, मैं बैठूँ इसको पता है। मुनि बोले कि बोलो भाई, समाई कर रहे हो, बताओ क्या कर रहे थे?
कि समाई कर रहा हूँ, कहने और क्या कर रहे थे, कोई स्वाध्याय कर रहे, ध्यान कर रहे थे, क्या कर रहे थे। कि महाराज सही बता दूँ, हाँ बता दो, कि मेरा मन तो हो रहा था कब सामायिक आए, जब जूते फट गए, कब चमार की दुकान पर जाके जूता खरीद। तब मुनि ने कहा, बहू ने गलत क्या कहा, तुम्हारा शरीर यहाँ था, तुम्हारा मन कहाँ था। आज एक जरूरत है धर्म के प्रारंभ करने में कि हम शरीर और मन को एक साथ रख सकें। प्रेक्षा ध्यान का एक शब्द है भावक क्रिया, हम जिस समय जो काम करें उस समय वही काम करें। भोजन करते समय आदमी भोजन करता है और मन इतना चंचल है बीच में पता ही नहीं लगता। ऐसे लोगों को मैंने सुना है, आसपास में देखा भी है कि भोजन करने के बाद भी पूछते हैं, मुनीम जी मैंने आज भोजन कर लिया ना, ये उसने पूछना पड़ता है। ये हमारी जब मन की स्थिति है तो फिर संयम कैसे हो। संयम की साधना के लिए जरूरी है मन का संयम, सबसे बड़ी बात है। और मानता हूँ सफलता का बहुत बड़ा सूत्र है। प्रेक्षा ध्यान का शिविर था और एक भाई पढ़ा लिखा और अच्छा अफसर था, आया हुआ था शिविर में। जाने लगा तो हमने सबसे कहा कि आपने अभ्यास किया है और कम से कम 45 मिनट, आधा घंटा और 45 मिनट इसको चालू रखें, कंटिन्यू करें, तो आप इसे अधिक लाभान्वित होंगे। बहुत लोगों ने स्वीकार किया। वह भाई बोला कि मैं तो बहुत बीजी, आज का बीजी ऐसा शब्द हो गया, बीजी शब्द तो पता नहीं, कि इतना रट लिया लोगों ने कि मैं तो बहुत बीजी हूँ। कि एक आदमी हर समय कोई भी कुछ कहे, आई एम वेरी बीजी, मैं तो बहुत बीजी हूँ। पत्नी भोजन को कहती तो कहती मैं तो अभी बहुत व्यस्त हूँ, अभी नहीं, कुछ ठहर जाओ। आखिर ये बात सुनते सुनते लंबे समय तक सुनती रही, पत्नी भी परेशान हो गई। और एक दिन वह गुस्से में आई हुई थी पहले से, है भोजन के लिए, कहने आई कि लो भोजन कर लो, कहने अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, अभी नहीं, घंटा भर ठहरो। तो वह गुस्से में तो थी पहले से, गुस्सा और बढ़ गया, ग्राफ ऊंचा चला गया और बोली कि देखो एक मेरी बात भी सुन लेना, एक मेरी बात सुनना, कि अभी तो मरना मत, क्योंकि मैं इतनी बिजी हूँ कि मैं रो नहीं पाऊंगी। हाँ पहले मुझे बताकर मरना मरना मत। एक रट हो गई बीजी बीजी की ऐसी कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत व्यस्त हूँ। तो उस भाई ने भी कहा कि मैं तो कार्य में बहुत व्यस्त रहता हूँ, मैं कैसे समय लगाऊंगा। हमने कहा देखो प्रयत्न करना। चला गया। एक वर्ष बाद फिर शिविर में आया, आकर बोला कि आप मुझे 3 घंटा का कार्यक्रम दे दी। मैंने कहा तुम तो 1.5 घंटा में बिजी थे, अब 3 घंटा की मांग कर रहे हो। क्या नहीं, मेरे मन की एकाग्रता इतनी सद गई कि मैं जो काम 6 घंटा में करता था अब 3 घंटा में हो गया, मैं खाली हो गया, अब मुझे 3 घंटा का प्रयोग और बताए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि मन की चंचलता में हमारा कितना समय निकम्मा जाता है। अगर हम एक को साथ सके तो एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक मन के साधने पर आपकी सारी क्रिया बदल जाएगी, जीवन की शैली बदल जाएगी, चर्या बदल जाएगी। मन की एकाग्रता जो धर्म का पहला पाठ है, एकाग्र हो गया फिर जो भी क्रिया आप करना चाहें करें। यह तो कौम सबके लिए समान बात है, सबके लिए। तो आप मन का संयम करना भी सीखें। मन का संयम, वाणी का संयम और शरीर का संयम, ये साधु बनना, समणी बनना एक ही कोई संयम है, अलग कोई नहीं। साधना संयम की ही साधना है, संयम की साधना। एक कन्या जो मुमुक्षु है, पारमार्थिक शिक्षण संस्था में साधना करने वाली है, और अभी तो बहुत अध्ययन करना था, मैंने पहले ही बताया कि एक निमित्त बना और हमने स्वीकार कर लिया, नहीं तो हम 2-3 वर्ष के बाद ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं। कम से कम 5-7 वर्ष के बाद, एक सीमा तक अध्ययन होने के बाद दीक्षा की बात सोचते हैं। और आज भी ये हमारी जो समणियाँ बैठी है, कोई 7 वर्ष पहले, कोई एमए तो सब लगभग है ही, पहले भी संस्था में रहकर 5-7 वर्ष तक साधना अभ्यास कर चुकी, उसके बाद इन सब की दीक्षा हुई। तो आचार्य तुलसी ने एक कल्पना की थी, योजना बनाई कि वर्तमान युग में एक अपेक्षा है
ऐसी श्रेणी की जो अधिक काम कर सके, आप कल्पना भी नहीं कर सकते शायद कि अभी हमारी दो समणियाँ लंदन में है, अमेरिका में कई हैं, कई वर्ग हैं, तो वे लोग ये मान रहे हैं कि अगर समणियाँ नहीं आती तो हमारे सारे संस्कार, भारतीय संस्कार बदल जाते और सब में एक हो रहा है। स्वामी नारायण संप्रदाय के जो प्रमुख स्वामी है, बड़ा समर्थ संप्रदाय है, तो उन्होंने अमेरिका में बहुत बड़ा मंदिर बनाया और उसका उद्घाटन था। उस समय हमारे श्रमण थे, उन श्रमणों को आमंत्रित किया। केवल 6 मिनट का समय था, बहुत व्यस्त कार्यक्रम था, उसमें 6 मिनट का समय, 6 मिनट में ही जो उन्होंने कुछ कहा तो उसका प्रमुख स्वामी ने इतना आह्लाद प्रकट किया। तो हमारे पास वहाँ के जैन समाज के बड़े बड़े लोगों के पत्र आए, संवाद आए कि हमें भी जैन होने का गर्व अनुभव हुआ आज ये सारा देखकर। तो एक व्यापक दृष्टिकोण की आज जरूरत है कि हम धर्म को सीमा में ही बांधने की बात न सोचें। सीमा में तो रहना है, संयम में रहना है। आपको यह भी पता है, ये लोग जाते हैं और वहाँ से यही प्रतिक्रिया आती है कि जितने भी आते हैं समणियों का जितना संयम है वहाँ रहकर भी, न तो गद्दों पर लेटती है अपना कंबल बिछाकर इतनी सर्दी में, न और कोई प्रयोग अपने कपड़े, न कोई दूसरों का, ऐसा अपने संयम के साथ सारा जीवन चलाते हैं और काम करते हैं। जैन धर्म की प्रभावना, अध्यात्म की प्रभावना, नैतिकता की प्रभावना और पूरे भारतीय समाज में तो चल, केवल जैनों में नहीं, हमारे सामने केवल जैनों का ही प्रश्न नहीं है, पूरा भारतीय समाज लाभान्वित हो रहा है और साथ साथ में अमेरिकन लोग भी बहुत, अमेरिकन या यूरोपियन लोग भी बहुत साथ में जुड़ रहे हैं, है बहुत इसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यह समन श्रेणी का हमारा इतना बड़ा महत्व है और मैं मानता हूँ आचार्य तुलसी की दूरदर्शिता और सूझबूझ का परिणाम है कि आज एक वास्तविक धर्म, देखिए हम साफ है कि हम बहुत क्रियाकांडों में विश्वास नहीं करते, किंतु जो जीवन में धर्म होना चाहिए, जीवित धर्म है कि जहाँ नैतिकता है, ईमानदारी है, सच्चाई है, जहाँ आध्यात्मिक चेतना का जागरण है, जहाँ मन की साधना है, मन की एकाग्रता है, ये जो सारा धर्म का मूल रूप है, उसके प्रति जो एक वातावरण आचार्य तुलसी ने पैदा किया था अनुव्रत के माध्यम से जो कार्य किया था, और आज इसका इतना हो रहा है कि आप शायद कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारे कार्यकर्ता उन क्षेत्रों में, बिहार के उन क्षेत्रों में जहां बहुत उपद्रवग्रस्त क्षेत्र हैं, वहां जाकर काम कर रही हैं। तो हम धर्म को एक उस क्षेत्र में ले जाने की बात सोचें, केवल सीमा तक ही अपने में राजी न रहें, तो एक बहुत बड़ा ये काम आचार्यवर का अवदान है। और उससे आज मैं कह सकता हूँ कि हमारी श्रमणियाँ, श्रमण भी बहुत बड़ा काम कर रही हैं, हमें संतोष है इस बात का। और अभी तक हमारे पास आज मांग तो इतनी है श्रमणियों की कि हमारे पास 500 श्रमणियाँ चाहिए। तो अब श्रमण श्रेणी के बारे में आप ये महत्व समझें कि जैसे साधु साधियों दीक्षा का बड़ा महत्व है, मूल है ही वे तो, किंतु आज कुछ हमारी समस्याएं ऐसी है कि इतना व्यापक क्षेत्र हो गया, जैन धर्म का क्षेत्र भी व्यापक हुआ है, नैतिकता का बहुत व्यापक हुआ है, अध्यात्म की मांग बहुत बड़ी, आज अध्यात्म की मांग पूरे संसार में हो गई है। वह अध्यात्म जो एक भारतीय ऋषियों की देन है, भारतीय साधकों की देन है, अध्यात्म का विकास जितना हिंदुस्तान में हुआ दुनिया का कोई भी राष्ट्र उतना नहीं कर सका, और उसकी उपयोगिता समझ में आ रही है, मांग बढ़ रही है। तो उस मांग के साथ आप सबको भी जुड़ना, आप ये न सोचे कि जैन परिवार की समणी हो सकती है, सनातनी की भी हो सकती है, वैष्णव की भी हो सकती है, और किसी की भी हो सकती है, हमारे पास तो सिंधी परिवार की भी, जाट परिवार की भी, कोई भी हो सकती है, बस जिसने योग्यता अर्जित कर ले, जिसका अध्ययन हो। हम दोनों बातों पर विश्वास करते हैं, अध्ययन भी गंभीर होना चाहिए और साथ में साधना भी अच्छी होनी चाहिए,
अध्यात्म की अच्छी साधना और अच्छा अध्ययन, तो यह सारा कार्य संपन्न हो सकता है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः।